हर दो चार महीने में आपको ऐसी खबर तो सुनने को मिलती ही होगी कि सरकारी परीक्षा में धांधली हो गई, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया, या एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, या कुछ और। अब केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं की सेहत में सुधार के लिए बड़े कदम का ऐलान किया है। आज बात इसी पर, यानी रोजगार पर, नौकरियों पर। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि नॉन गजटेड सरकारी पदों पर और सरकारी बैंकों में रिक्रूटमेंट के लिए एक ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहा जाएगा। अब यहाँ दो बातें आपको समझनी होगी। एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही टाइप की सरकारी नौकरियों के लिए एक एग्जाम होगा, और दूसरी बात, एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑनलाइन एग्जाम तो फिलहाल कई ऐसी नौकरियों के लिए कराए जा रहे हैं, लेकिन अब सभी ऐसी नौकरियों के लिए ऑनलाइन एग्जाम कराने के प्रस्ताव हैं, जैसे RRB, IBPS और SSC, जिसके अलग अलग एग्जाम होते थे, उसकी जगह एक ही एग्जाम, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इन रिक्रूटमेंट्स के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, हर जिले में टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। क्विंट अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका है कि कैसे छात्र इस एग्जाम के दुष्चक्र में फंसकर घूमते रहते हैं। कभी वैकेंसी समय पर नहीं निकलती है, निकलती है तो परीक्षा होने में समय लग जाता है, फिर छात्र एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा सेंटर तक पहुंचने की मुसीबतों को झेलता है, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो कभी धांधली की बात हो जाती है। तो इस लिहाज से सरकार का ये कदम रिक्रूटमेंट के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इस नए ऐलान पर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। उस पर इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं। फिलहाल आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक CET का स्कोर रिजल्ट की घोषणा होने की तारीख से अगले 3 साल तक मान्य होगा। ये स्कोर कैंडिडेट के साथ ही अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भी मुहैया कराया जाएगा। अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे, सबको मुहैया कराया जाएगा। कैंडिडेट को अपना स्कोर सुधारने के 2 मौके और मिलेंगे, और सभी स्कोर में जो बेस्ट वाला स्कोर होगा उसे मान लिया जाएगा। CET की जो मेरिट लिस्ट होगी उसे NRA राज्यों के साथ कॉस्ट शेयरिंग के तहत साझा कर सकती है। इससे राज्य सरकार की नौकरियों में भी भर्ती हो सकेगी। रिपोर्ट्स बताती है कि इस नए प्रस्ताव के लिए केंद्र और राज्य के सभी डिपार्टमेंट से समीक्षा मांगी गई थी। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का तो ऐलान हो गया है। जाहिर है कि दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, मद्रास, गुवाहाटी में जो युवा इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनमें उत्सुकता होगी। ऐसे ही कई छात्रों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या क्या इनके मन में सवाल हो सकते हैं। जैसे कुछ छात्र खुश हैं कि चलो कई बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पैसे तो कम से कम नहीं देने होंगे, तो कुछ इस बात से परेशान है कि अगर हम RRB के लिए खास तौर से तैयारी कर रहे हैं तो भैया IBPS की परीक्षा की तैयारी वाले छात्रों से कंपटीशन क्यों करें। जरा इन छात्रों की बात सुनिए। रेलवे का सिलेबस अलग होता है और SSC का सिलेबस अलग होता है। ऐसे में अगर एक एग्जाम होता है तो बहुत हमें दिक्कत होगा, क्योंकि SSC में इंग्लिश होता है और रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर एक एग्जाम करना है तो या तो सिलेबस बदला जाए या तो जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चले। अब सबका सिलेबस मर्ज होगा तभी अच्छा रहेगा, वरना किसी एक का पर्टिकुलर सिलेबस लागू किया जाएगा तो दूसरी तरफ के लोग हड़कंप मचाएंगे। इस वजह से सबको देख करके सरकार को एक मर्जब करना चाहिए सिलेबस का, ताकि लोग, ऐसे होता था कि एक में नहीं हुआ दूसरे में चले जाते थे लोग, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में चले जाते थे, एक साल में कई एग्ज़ाम्स हो जाते थे। बट अब क्या होगा, एक में नहीं हुआ तो फिर साल भर उसको बैठना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये CET जो टेस्ट लिया जा रहा है, कॉमन टेस्ट, ये इससे जो है ना फायदा भी है। फायदा ये है कि इसे, जैसे पहले हम अदर स्टेट में भाग दौड़ करना पड़ रहा था एग्जाम देने के लिए जाना पड़ रहा था, उससे थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़ा क्या पूरा राहत मिलेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे पहले जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसका पूरा सिलेबस को पता था, जैसे ये पैटर्न पर आएगा सिलेबस भी वो पढ़ रखा था। अभी जो नया जो लागू होगा, तो उन पुराने स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी नए पैटर्न के अनुसार से, उसको नया तैयारी करना पड़ेगा। युवा हल्ला बोल ने शुरू से मांग रखा कि जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम होते हों, RRB के एग्जाम होते हों, IBPS के एग्जाम होते हों, सब NTA के थ्रू हो, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को ये 4 एग्जाम देने में 4 बार फॉर्म भरने पड़ते हैं, 4 बार पैसे लगा के एग्जाम देने पड़ते हैं, जबकि सिलेबस लगभग सबका सेम होता है।
तो क्यों ना एक ही एग्जाम हो। अगर सरकार अपने बातों पे अमल करे, इस बार NRA, NTA या जिस कोई और भी नाम देना हो तो नाम दे ले, लेकिन अगर इस तरह का स्कीम अगर लाती है गवर्नमेंट तो निश्चित तौर पे छात्रों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब सरकार ने इस कदम का ऐलान तो कर दिया है, ये सराहनीय भी है। अब बस इतना ही कहना है कि योजना को पूरी तरह जांच परख और जरूरत पड़े तो पायलट प्रोजेक्ट करा के सरकार एक बार देख ले, कहीं आधी अधूरी तैयारी के साथ इसे लॉन्च नहीं कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं सिविल परीक्षाओं में हिंदी बनाम अंग्रेजी जैसा विवाद ना पैदा हो जाए, कहीं मैथ्स को यानी गणित को तरजीह का सवाल ना खड़ा हो जाए। आखिर ये करोड़ों युवाओं के करियर का सवाल है।